हमारा समाज भी विषमताओं से भरा हुआ है। कहीं आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे तो कहीं आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्हें नैतिकता का थोड़ा भी ज्ञान नहीं। अब आप कटिहार के बलिया बिलौन फरसरा गांव में घटी इस दर्दनाक घटना को ही ले लीजिए। इस घटना को सुनकर और देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हुआ यूं कि 13 वर्ष पहले सुनील ठाकुर ने अपनी मासूम बेटी किरण उर्फ मंजू का विवाह फरसरा गाँव के रहने वाले मदन ठाकुर से किया था। घर वालों ने मंजू का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ किया, खासा दहेज भी दिया, लेकिन शायद मदन ठाकुर की भूख इतने दहेज से नहीं भरी। मंजू की मां की माने तो शादी के 6 महीने बाद से ही उनका दामाद मदन ठाकुर फिर से दहेज की मांग करने लगा। हाल में ही उसने फिर 2 लाख मांगे थे, लेकिन गरीबी के कारण वे लोग उसे 2 लाख नहीं दे पाए। बस इसी का बदला मदन ठाकुर ने मेरी बेटी की जान लेकर निकाला। मृतिका की माँ ने बताया कि 3 अगस्त को मदन ठाकुर ने फोन किया कि आपकी बेटी मंजू को सांप ने काट लिया है। घर वालों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन कल 20 अगस्त मंगलवार को इलाज के दौरान मंजू की मौत हो गई। मृतिका की मां का कहना है कि वास्तव में मेरी बेटी मंजू को सांप ने नहीं काटा, बल्कि दहेज के लोभ ही मदन ठाकुर एवं उसके घर वालों ने जहर देकर मेरी बेटी को मार डाला है। इस घटना को लेकर 16 अगस्त को पीड़ित परिवार ने बलरामपुर थाने में आवेदन दर्ज कराते हुए मदन ठाकुर सहित 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। इधर मां की मौत से जहां उसकी 2 छोटी-छोटी बेटियों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं मृतिका की मां के आंसू भी रोके नहीं रुक रहे हैं। वो सांप काट लिया लीवर के पास। कौन बोला सांप काट लिया? मेरा दामाद। उसके बाद क्या किया? बोला जो फिर फांसी ले लिया है। अच्छा, तो पूर्णिया मोड़ लेके गया। कैसे आपको जानकारी हुआ था? मेरा दामाद फोन किया था, आप लोग जल्दी आइए, आपका बेटी फांसी भी लगा लिया। अच्छा, और घर से निकला जो बोले बस्ती वाला बोला जो सांप काट लिया। कितना दिन पहले की बात है? शनिवार को बात है। गए तो क्या देखे? तीन तारीख को भी जाके क्या देखे आप? हम लोग देखे जो हमारा शरीर से कोई पता न चला जो ही बचा है। कहीं किसी तरह का निशान वगैरह शरीर में? हाँ, निशान है, पूरा निशान है। कहाँ कहाँ पर निशान? यहाँ ये सब पकड़ के जो बीच जोहर खिलाया ये सब निशान यहाँ है। सब गला में रस्सी वगैरह का निशान? गला में रस्सी नहीं है, वो जो पानी जो साइलन देता है वो सब ये लगा हुआ है। क्या इसका विरोध में आप लोग कोई आवेदन वगैरह थाना में केस वगैरह किए हैं? हाँ, रखे हैं, इधर हम लोग रखे हैं। कहाँ केस किया? बलरामपुर। कितना दिन हुआ केस करने का? कितना? 14 तारीख। मेरा दीदी को बहुत बुरी तरह से मारा गया और हम लोग जाने 2-3 तारीख को, तो हम लोग गए पूर्णिया देखने, तो मेरा दीदी बहुत सीरियस था, मैंने देखे तो उसका सांस भी नहीं चल रहा था। तो हम लोग बोले कि मेरा दीदी नहीं है, वहाँ से हम लोग आए तो हम लोग हमको वो आप उधर से बोल रहा है मेरा जीजा जी, बोले तुमको गवाही देना होगा अंजू। हम बोले काहे मेरा बहन को मार के मेरा बहन को गवाही देंगे? कौन चीज़ का विषय में? हम तो कोई चीज़ के बारे में जानते ही भी नहीं है। हमको बोल के बंद ही कर दिया। तो कौन चीज़ से मारा था उसको? फांसी दिया, उसको जहर खिलाया, उसको बहुत बुरी तरह से मार के उसको घर में। कौन मारा था? मेरा जीजा जी, पप्पू ठाकुर, पिंटू ठाकुर और विजय ठाकुर और दिनेश ठाकुर और उसका मम्मी, लोग चारों पांचों मिल के उसको बहुत बुरी तरह से घायल करके जहर भी खिलाया था, जहर भी निकला। हाँ, फांसी का दवा इलाज करवाया था, मगर जहर निकला। अब क्या चाह रहे हैं? हम उसका चाहते हैं कि मेरा दीदी को जिस तरह बुरी तरह से मारा है उस तरह लोगों को भी सजा ही मिलना चाहिए, चाहे फांसी हो या कैद उम्र का सजा। किरण कुमार के साथ 13 साल हुआ, 13 साल शादी होने का हुआ। अच्छा। उसके बाद जो है वो लोग मारपीट करते रहता है। कौन लोग? घर वाला, मेरा दामाद, उसके बाद सन बेटा सब, उसके बाद ससुर, सब मिलकर के वो मारपीट करने के लिए करते रहा और देखने के लिए नहीं पाता था। अच्छा। कहीं दहेज लेके आओ? हाँ, दहेज लेके आओ, फन्ना लेके आओ, तस्का लेके आओ। तो इस मैटर का मेन मुद्दा है कि दहेज, दहेज प्रथा जो भी है, दहेज प्रथा के मैटर में हुआ सब ये मैटर। उसके बाद जो कुछ घरेलू मैटर भी है, उसको पहला नंबर मारा गया, पूरा भर पेट मारा गया, रात भर मारने के बाद सुबह भोजन खिलाने के बाद फिर फांसी भी दिया गया। फांसी देने के बाद तब हॉस्पिटल लेके गया।
तो आप लोग हॉस्पिटल में जाके देखे? नहीं, हम लोग को पता इन्फॉर्मेशन ही पता नहीं चला कि हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, पता है तुम लोग हम कहाँ जाएंगे क्या नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ पता नहीं चला। कितना दिन के बाद पता चला? हम लोग को 2-3 दिन के बाद ही पता चला। तो कहाँ मिला आप लोग को पता जब चला? मेधी सिटी हॉस्पिटल पूर्णिया, मेधी सिटी हॉस्पिटल। आपका नाम? जी मेरा नाम, पूरा नाम पंकज कुमार ठाकुर। घर सनोली। आप लड़की का कौन लगेगा? जीजा जी। मौके पर स्थानीय मुखिया मिराज आलम भी पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए उन्हें हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। मुखिया मिराज आलम ने बारसोई डीएसपी अजय कुमार से इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। ये बहुत दर्दनाक घटना है और इस घटना की मैं निंदा करता हूँ। ऐसे घटना जो समाज में नहीं होना चाहिए। एक मामूली सा दहेज के लिए और अपनी बीवी पर जो है शक जताने के लिए ससुराल वाला मिलकर के जो है भूतपुरी प्लान के तहत बुरी तरह से उसको मारपीट करके जो है उसको जो है उसका गर्दन का हड्डी भी तोड़ दिया है। उसके बाद उसको जहर भी दिया गया है। और लगभग ये घटना 2 अगस्त की है। इधर 2 अगस्त से लगातार वो जो है वेंटिलेटर में था और 20 तारीख को कल जो है उसका डेथ हो गया है। जो जिस बच्चे का डेट हुआ उसका नाम किरण है। उनके बाबूजी इन लोग आए कई दिन बाद कि इन लोगों को पता चला कि उनके बच्चे को मारपीट करके और शायद पॉइजन और जहर का भी बात सामने आ रहा है। उनके परिवार के लोग साजिश के तरह सोच लगता है कि जिस कारण से कि कोई आने वाला और इस तरह का जुर्म कर सके। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और हर समाज के लोग को संदेश है, अगर किसी तरह का कोई बात थी तो उनका माँ बाप को देता बोलता या समाज में आके किसी तरह का एक परामर्श करके तब उसका निदान किया जाता। CUET क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा अवसर, आज ही ज्वाइन करें जॉब ओरिएंटेड 4 इयर्स फुल टाइम BS इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। कॉल 7416564129।